हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर सीईटी प्रेप, सीईटी स्टडी कैपिटल। हमारी सीरीज चल रही थी 5 मिनट्स टू प्रो, दैट इज 5 मिनट्स टू प्रोनंसिएशन। 5 मिनट होंगे, 10 वर्ड्स होंगे, फोकस करेंगे उसकी प्रोनंसिएशन, उसकी स्पेलिंग और साथ साथ उसके मीनिंग पे। आज है हमारा डे 14। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटर। विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज विवेरियम। अब मैम बड़ा फैंसी सा वर्ड साउंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है एन इंक्लोजर और लैब वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर स्टडी। बेसिकली एक इनक्लोज स्पेस जहाँ से हवा पास नहीं कर पा रही है या ऐसा कुछ। इनक्लोज मतलब हर जगह से ढका हुआ, ठीक है? इनक्लोज मतलब हर जगह से कवर्ड, उसी को हम बोल देंगे विवेरियम। एक और मीनिंग उसका आता है लैब के कंटेक्स्ट में। लाइक लैब में जो भी एनिमल्स रखे होते हैं ना, जैसे बोलते हैं लैब रैट्स, या फिर जो भी एनिमल्स एक्सपेरिमेंट पर्पस या स्टडी पर्पस के लिए रखते हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड विवेरियम। ठीक, स्पेलिंग देखते चलेंगे। इसकी प्रोनंसिएशन थोड़ी फैंसी सी है, तो आपको प्रोनाउंस करने में मजा आएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज थियोफिलस। मैम अब ये क्या होता है थियोफिलस? जल्दी से देख लेते हैं मीनिंग क्या है। लव ऑफ गॉड और लव्ड बाय गॉड। इसका तो मैम आपने बेसिक मीनिंग बता दिया। लाइक थियोफिलस इज बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है? इट्स मीनिंग इज लव ऑफ गॉड और लव्ड बाय गॉड। बेसिक चीज है क्या? अ बॉयज नेम ऑफ ग्रीक ओरिजिन। ग्रीक ओरिजिन का एक बॉय का नेम है थियोफिलस, जिसका बेसिक मीनिंग होता है लव ऑफ गॉड और लव्ड बाय गॉड। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्टेनोग्राफर। आप लोगों में से बहुत ने सुना होगा, बहुत ने नहीं सुना होगा, लेकिन स्पेलिंग अच्छे से देखनी है। ये वाला वर्ड कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलता है, तो आपको ये वाला वर्ड याद रखना है। स्टेनोग्राफर मैम मतलब क्या होता है? हुज जॉब इज टू ट्रांसक्राइब स्पीच इंटू शॉर्ट हैंड। ठीक है, जैसे आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिशियल, मान लो कोर्ट का कोई केस चल रहा है, आप वहाँ पे एज अ स्टेनोग्राफर प्रेजेंट हो। आपका काम क्या होता है? जो भी स्टेटमेंट बोली जा रही है बाय द जज, आई एम नॉट श्योर बाय द विक्टिम्स वाला भी रिकॉर्ड होता है या नहीं, बट बाय द जज जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी डिसीजन, जो भी वहाँ पे लाइक बोला जा रहा है, यू हैव टू रिकॉर्ड, यू हैव टू टाइप आउट द स्टफ। अब ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि जज ने बोला द विक्टिम दिस दिस और दिस, तो आप पूरा लिखने जाओ अच्छे से पार्कर पेन लेके कि विक्टिम दिस दिस दिस, ऐसा इतना टाइम नहीं होता है ना। तो उसके लिए एक आता है हमारे पास डिफरेंट मेथड, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट हैंड। ठीक, तो बेसिकली जो पर्सन जिसकी जॉब होती है ट्रांसक्राइब करना स्पीच इनटू शॉर्ट हैंड, दे आर कॉल्ड स्टेनोग्राफर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्टुपिफाई। अब मैम ये भी बहुत ज़्यादा फैंसी सा वर्ड लग रहा है, इसका मतलब बताओ। मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली। आप किसी को स्टुपिड बना दो, बुद्धू बना दो, सो दैट्स कॉल्ड बेसिकली स्टुपिफाई। अगर आप यहाँ पे देख भी लेते ना वर्ड स्टुपिफाई, स्टुपिफाई स्टुपिड, स्टुपिफाई स्टुपिड, कहीं ना कहीं आप मीनिंग कैच कर लोगे उसका। इसीलिए मैं बोलती हूँ वर्ड रूट या फिर उसके आसपास का कोई भी वर्ड आपको दिख रहा है, आप ग्रैब करने की कोशिश करो मीनिंग, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। स्टुपिफाई वही है, मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज सोफमोर। आपने ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा फैंसी है सुना होगा, कॉलेज वगैरह में आप आओगे तो आप सुनोगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ना फ्रेशर्स बोलते हैं, सेकेंड ईयर वालों को बोलते हैं सोफमोर, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर ही बोलते हैं। किडिंग, मेरे को लिटरली इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं। अगर इफ़ यू आर वी कैन से क्या बोलेंगे, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे भी कॉमेंट्स में बता दें कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर को फ्रेशर बोलते हैं, सेकेंड ईयर को सोफमोर बोलते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आई गेस फाइनली बोलते हैं, बट एक बार बता देना कमेंट में अगर पता हो। सोफमोर होता क्या है मैम? अ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी / हाई स्कूल स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के कोई भी यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल स्टूडेंट को वी कॉल देम सोफमोर्स। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डेटी। डेटी क्या होता है? अ गॉड ऑफ अ गॉड और अ गॉडेस। ठीक, डेटी मतलब देवता, और उसमें हमारे गॉड जो हैं लाइक मेल गॉड, मेल गॉड कहाँ से हो गया, उसमें जैसे डेटी हो गया देवता, लाइक द मेल फॉर्म दैट यू वर्शिप एंड द फीमेल फॉर्म दैट यू वर्शिप, दोनों इंक्लूडेड होते हैं। देवता मीन्स गॉड, गॉडेस बोथ। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मोनोरेल।
मैम इसका भी बड़ा प्रोनाउंसिएशन फैंसी सा लग रहा है, इसका बताओ मतलब। ऑफर इन्वॉल्विंग वन ईयर, वन ईयर में जो भी आपका इन्वॉल्व होता है दैट्स कॉल्ड मोनोरल। ठीक, जैसे कि मान लो मेरा खुद का जो ईयर डोप्स है उसका एक साइड काम करता है एक साइड काम नहीं करता है, तो दैट्स कॉल्ड मोनोरल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मॉडस ऑपरेंडी। मैम बड़ा आप ये वर्ड बता रहे हो या आप पूरा सेंटेंस बोल गए, हमको कुछ नहीं समझ आया, नहीं आया, आओ समझाते हैं। अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर मेथड, कोई भी पर्टिकुलर वे, दैट्स कॉल्ड मॉडरस ऑपरेंडी। एक बार स्पेलिंग देख लेंगे, ज़रा फैंसी सा वर्ड है तो क्या पता आ भी सकता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कन्फेक्शन। मैम आप पता नहीं ऐसे क्यों वर्ड्स लेके आ रहे हो जो एक दूसरे से रिलेट होते हुए दिख रहे हैं, तो ठीक है देख लेते। कन्फेक्शन यही तो चीज़ है कि इतने सारे वर्ड्स पढ़ के भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग एक बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, अपने आप याद रहेगा। ठीक, कन्फेक्शन क्या होता है मैम? एन एलैबोरेट स्वीट डिश और डेलिकेसी। कोई भी स्वीट डिश या डेलिकेसी है उसको बहुत ज़्यादा इलैबरेट करना, बहुत अच्छी प्लेटिंग कर देना, जैसे वो इतना सा है तो उसको पूरा इलैबरेट करके, नहीं होता मास्टर शेफ़ में अगर आपने प्लेटिंग देखी होगी बहुत फैंसी सी प्लेटिंग होती है कि लाइक वो पहले वहाँ पे थोड़ा सा सिरप लगाएंगे, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर लाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सॉगीनेस लाएंगे, उस चीज़ को बोलते हैं कन्फेक्शन। लास्ट वर्ड वी हैव गॉट टुडे इज स्टैग्नेंट। ये चीज़ कहीं ना कहीं सुनी होगी, मैं नहीं मान सकती ये सुनी ही नहीं। क्लास फिफ्थ से ईवीएस का चैप्टर आता है स्टैग्नेंट वाटर, वाटर पोल्यूशन, फिर रिवर यमुना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये मैं मान नहीं सकती किसी ने सुना नहीं होगा। बचपन से ही हमने स्टैग्नेंट को वाटर के साथ एसोसिएट करके देखा है, मतलब क्या है आज जान लेते हैं। हैविंग नो करंट और फ्लो एंड ऑफन हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल एज अ कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली स्टैग्नेंट इन द सेंस रुका हुआ वाटर, आपने ये भी पढ़ा होगा ईवीएस वगैरह में जब छोटी क्लासेस में होंगे कि स्टैग्नेंट वाटर में जो मॉस्किटोज होते हैं फीमेल मॉस्किटोज वो अपने एग्स ले करती है, क्यों? क्योंकि वो वाटर फ्लो नहीं हो रहा होता, वो एक जगह पर रुका हुआ होता है, एक जगह पर वो स्टैग्नेंट होता है, तो जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं उनके एग्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो दैट इज स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ वाटर, और रुका हुआ होगा अगर वो फ्लो नहीं कर रहा तो जो भी उसकी इम्प्योरिटीज है, जो भी उसके अंदर लाइक डर्टी पार्टिकल्स जर्मिनेट हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया जर्मिनेट हो रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं ना कहीं उसी में कलेक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो पोल्यूशन लेवल है, उसकी जो इम्प्योरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए स्टेग्नेंट वाटर। ये ईवीएस का ही टर्म था, आपका सुना नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकती। यही बातें करते करते आ गए हम अपनी थैंक यू वाली स्लाइड पे। अब मैम करना क्या है होमवर्क में? होमवर्क में बच्चा पार्टी आपको सबसे पहले नोट्स बनाने हैं। अगर आपने वो वर्ड कभी नहीं सुना है तो आपको प्रोनंसिएशन के लिए ये सीरीज है, खुद बोल के देखो। मैम बोल देगी तो कुछ नहीं होगा देखने से, आप एक बार खुद बोल के देखो आप वो चीज़ प्रोनाउंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कि मैम इतनी बड़ी पोथी बना दी हमने नोट्स की लेकिन रिवाइज कुछ नहीं किया, आता हमें उसमें से कुछ नहीं है, हमने रिवाइज ही नहीं किया। ठीक, वीडियो के लिए क्या करना है? लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट मेरे को चाहिए भर भर के, क्योंकि रिव्यू मेरे को मांगता है कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो मत पढ़ाया करो। ऐसा भी है क्या कोई कि मत पढ़ाया करो, मैम आप जाओ यहाँ से आप बकवास पढ़ाते हो? ठीक है, ऐसा भी हो तो कोई बात नहीं, बता देना, हम उसी अंदाज में रिप्लाई कर देंगे। ठीक, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना। नोटिफिकेशन अगर मिस हो गई बाय चांस, सोचो आप एग्ज़ाम में गए हो, एग्ज़ाम में जाके आप बैठे, आप फिर देख रहे हो यार मैंने पढ़ा कुछ और था, आ कुछ और रहा है यहाँ पे, ये क्या बवाल है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।